हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली जिले में बढ़ती अपराध की रोकथाम को लेकर जिले एवं प्रदेश के बाहर से आने वाले वाहनों की गहनता से की जा रही जांच। दस्तावेज पूरे नहीं होने पर नियम के अनुसार काटे जा रहे चालान। बढ़ते अपराध की रोकथाम करना कार्रवाई का उद्देश्य। पाली जिले में बढ़ते अपराध की रोकथाम को लेकर पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोगी, सिटी सीईओ निशांत भारद्वाज व प्रभारी यातायात गीता सिंह के निर्देश पर शहर के सूरज पोल सहित अन्य सर्कल पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा जिले भर से प्रदेश व जिले के बाहर से आने वाले वाहनों की तलाशी की जा रही है। गाड़ी के दस्तावेज की गहनता से जांच कर आगे जाने दिया जा रहा है। ट्रैफिक के एसआई ब्रजमोहन सिंह ने बताया कि हाल ही में पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोगी व सिटी सीईओ निशांत भारद्वाज एवं ट्रैफिक प्रभारी गीता सिंह के आदेश पर शहर सहित जिले भर में बाहर से आने वाले वाहनों के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं ताकि जिले में बढ़ते अपराध की रोकथाम हो सके। पिछले कुछ समय से जिले और प्रदेश के बाहर से आकर वाहन चालकों द्वारा अपराध कर वापस अपने प्रदेश और जिले में चले जाते हैं, जिससे अपराध बढ़ रहा है। इसकी रोकथाम को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए ब्रजमोहन सिंह, एएसआई ट्रैफिक, इन्होंने ये कहा, ये जो आप गाड़ियां रुकवा रहे हो और गाड़ी के कागज चेक कर रहे हो, क्या कारण है इसका? ये श्रीमान एसपी साहब पाली व श्रीमान सीओ साहब सिटी व हमारे यातायात इंचार्ज द्वारा कल दिशा निर्देश दिए गए थे हमारे को, तो बाहर की गाड़ियां आकर के यहाँ कोई वारदात करके चली जाती है। जो भी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट और आउट ऑफ स्टेट की जितनी भी गाड़ियाँ आती है, उनकी आईडी, आधार कार्ड, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन चेक करना है, उनको पूछताछ करनी है कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, जिससे मतलब अपराधों पे रोक लगेगी सिटी में, उनकी पालना में हम ये गाड़ी रोका करके चेक कर रहे हैं। जागरूक टीवी के लिए पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट।